तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अब शुगर फैक्ट्री के गेट पर, और आपने भी आप लोग अंदर चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहां पर बच्चों को विजिट करा रहे हैं। साइंस टूर बेस है इसका, और हम लोग हैं इसमें आज तुलसीपुर चीनी मिल में। ये बलरामपुर चीनी मिल की ही ब्रांच है, और तुलसीपुर जैसा कि आप लोग जानते हैं बलरामपुर में ही है, तो उसी ब्रांच में हम लोग चल रहे हैं। अंदर आपको चीनी मिल घुमाएंगे और किस तरीके से बच्चों को बताया जाएगा। हालांकि अभी ये शुगर फैक्ट्री जो है चल नहीं रही है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है और मेंटेनेंस इस समय प्रोग्रेस में है, लेकिन अब टाइम था शैक्षिक गतिविधि का, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर दूर आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में, जहाँ पर हम आए हैं आज तुलसीपुर चीनी मिल विजिट करने के लिए अपने 100 बच्चों के साथ, जो कि ब्लॉक के हैं और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान द्वारा चयनित हैं। तो आप भी देखिए और वीडियो का पूरा मजा लीजिए, चीनी मिल देखिए कि किस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर चीनी बनती है। तो आइए चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग इस समय चीनी मिल गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं। बच्चों की एंट्री हो रही है, 30-30 बच्चे एक बार में जाएंगे, बाकी बड़े बच्चे बाद में जाएंगे, सबसे लास्ट में। बड़े बच्चों में आप देख सकते हैं काफी लोग हैं आज। तो आप लोगों, हम लोगों को हेलमेट मिल गया और हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ चीनी मिल परिसर में देखने के लिए और इन बच्चों को घुमाने के लिए। तो अब हम लोग हैं बलरामपुर चीनी मिल्स की फैक्ट्री में, अंदर चल रहे हैं हम लोग फैक्ट्री विजिट करने के लिए। उससे पहले आपको बता दें कि ये बलरामपुर चीनी मिल्स की ही एक इकाई है, जो कि तुलसीपुर में है। हालांकि तुलसीपुर भी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बलरामपुर मुख्यालय पर एक चीनी मिल है, वो बलरामपुर, और ये यहाँ पर एक दूसरी यूनिट है जो तुलसीपुर में है। बलरामपुर की यूनिट काफ़ी बड़ी है और यहाँ की हालांकि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी चीनी की कैपेसिटी यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। और कुल मिला के बलरामपुर देश के अग्रणी चीनी निर्माताओं और एथेनॉल निर्माताओं में से है। आप इस समय जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, ये चीनी मिल के अंदर ही लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर गन्ने की पेराई होती है और चीनी का निर्माण भी किया जाता है। हालांकि इस समय शुगर फैक्ट्री बंद है, यानी कि पेराई सत्र प्रारंभ बस होने ही वाला है, कुछ ही दिनों में प्रारंभ भी हो जाएगा, लेकिन अभी मेंटेनेंस का काम यहां पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां पर चीनी का उत्पादन प्रारंभ होने वाला है। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं पैकेजिंग एरिया में, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से पहले पड़ता है और लास्ट में हम लोग जाएंगे जहाँ से गन्ना आता है। तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आप पहले इस समय देख रहे हैं, ये पैकिंग की इकाइयां हैं। यहाँ पर चीनी के बोरे, तैयार चीनी पैक होती है, और आगे पारे पांडे जी बताएंगे। ये हापर है हमारा, हापर से चीनी बैंक द्वारा इसके ऊपर चले जाएगा। जी जी, मतलब ले जाने वाला सिस्टम लगा हुआ है, जो अपने ऊपर ले जाएगा ऊपर बैठता रहेगा। ठीक है, यही यहाँ का अभी फिलहाल चल रही होती तो आपको सारा कुछ दिखाते, कैसे चीनी बन रहा है, क्या पैकिंग होती है, बनाती होगी। ये पैकिंग होती है, इसको पैकिंग होती है शुगर बीन है। शुगर बीन से जैसे 50 किलो 10 ग्राम का अगर बोरा है तो 10 ही ग्राम चीनी निकलेगी। ठीक है, फिक्स है, फिक्स है। जैसे 12 ग्राम का है तो 12 ग्राम निकलेगी। जैसे एक बोरे का, एक लाट के बोरे तोल लिए जाते हैं, उसके तोल के तो फिर पैकिंग कर दी जाती है। उसमें ये सारे तीन गोदाम तो हमारे पास काफ़ी है, जैसे भर जाते हैं उस हिसाब से तीन तरह की चीनी जो बनती है उस हिसाब से बैल्ट लगी हुई है। व्यक्ति अपनी साइड में चला गया, ठीक है। बेल्ट अभी क्या है कि जल्दी है, जब चलेगा तो ये बेल्ट सब चलने लगी, जैसे कन्वेयर बेल्ट है सब। एल उधर गई, एम उधर चली गई, एस एस वहीं शिफ्ट कर दी दूसरी जगह। कोई सामान छूना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। नहीं नहीं, बच्चे बैठ बैठ अपना पकड़ लो। पैकेजिंग एरिया ये आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा है। ये तीन तरह के जो चीनी होते हैं यहाँ से पैक होके जाते हैं, और बाकी ये मिल का ही प्रोसेस है। बीच बीच में बता रहे हैं आप लोगों को, आप ध्यान से अगर सुनेंगे, क्योंकि आवाज़ काफ़ी धीमे बोल रहे हैं इसलिए। ये हार्डर है, ये हापर है। एक हार्डर ऊपर जो ये इसमें चीनी सूखती है, जैसे ये जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन से क्या होगा कि ये जैसे माल पका हुआ आया दाने वाला, तो इसमें से सीरे को अलग कर देगी, मोलासेस जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में सीरा बोल रहे हैं, मोलासेस को बाहर कर देगी, तो
टैंक में चला जाएगा, वहाँ से बड़ी पंप से वो दूसरे बड़े टैंक में चला जाएगा, यही इसका प्रोसीजर है। जिस दिशा में जिम वाला हमको टैंकर जो सीधे टैंक होते हैं बड़े बड़े उसको भरना है उसमें चलो। तुलसीपुर में ही नहीं, हर जगह जहाँ भी शुगर में जाओगे ये ट्रक यार्ड है। इधर से जो ये लोग जो खड़े हैं इसके पीछे ये ट्रॉली, मतलब ट्रॉली वहाँ से आती है, ट्रॉली यार्ड तो पीछे है वो बाहर, वहाँ से जब ट्रॉली आएगी तो यहाँ पर कांटा होगा, कांटा होकर वो ट्रॉली इस हिसाब से उसके पीछे भी ट्रकों के रास्ता छोड़ा जाता है, वो आके इधर आ जाएगी, ये लाइन में खड़ी रहती है ऐसे, तो वो अपने एक एक चलती रहती है, इधर ट्रक खड़े होते हैं। छोटा आप लोगों ने टिपलर भी देखा, छोटी ट्रॉली जो आजकल चल रही है वो आती है, वो वहाँ से ही गन्ना को मतलब लाती है, 35 क्विंटल गन्ना तोलते मैं कर उसको लाती है, वो धक्का लगाएगा पीछे बैठ करके, वो अपना पलट जाएगी, वो खोल देता है उसके कुछ बोल देगा उसको छोटा पता नहीं करके, तो वो खोल देगा वो चला जाएगा, एक ही दफे में एक मिनट में दिख जाएगा। और इस बेल्ट के माध्यम से गन्ना अंदर भी चला जाता है, ये बेल्ट चलती रहती है, जब शुगर फैक्ट्री चलती है तो ये बेल्ट भी चलती रहती है और पूरे गन्ने को अंदर ले जाती है। ऊपर को जो दिख रहा है ना लाल दिख रहा है गेरुआ कलर का, वो वहाँ से उसको गन्ने को उसके ऊपर गिरता जाएगा, वो ले जाएगा ऊपर, तो वो मील में डालेगा फर्स्ट में से, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फोर्थ के बाद फिर बगास बचेगा, मतलब जूस सारा निकाल जाएगा, उसमें कुछ बचा नहीं है। इस पंजे का ऑपरेटर यहाँ ऊपर साइड में बैठते हैं, देखिए हर उस पर बना हुआ है और वो यहाँ पे ऑपरेट मशीन को ऑपरेट करते हैं, इस पंजे को, क्रेन को, जो कि गन्ना उठाने के काम आता है। इसको बताना भूल गए थे कि ऑपरेटर पे बैठा है, मैंने कहा आपको बता दें। गन्ना जाता है और यहाँ पर कई जगहों पर इसकी पेराई होती है, और जो सबसे पहले आउटपुट दिखाया था वो प्रारंभ में वही इन लोगों ने दिखाया, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होता है। तो फाइनली हम चीनी मिल देखकर अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, उसी मार्ग से जिस मार्ग से हम लोग आए थे उसी तरफ निकल रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं निकल रहे हैं। और बच्चों का ये टूर चीनी मिल का कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम लोग अभी जरवा इको पर्यटन स्थल पर भी जाने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यात्रा के अगले चरण में हम लोग पहुंच गए हैं जरवा के आगे, एक इको पर्यटन यहां पर केंद्र है और बहुत जल्दी इसका निर्माण हुआ है शासन द्वारा, कुछ दिनों पहले ही अभी जरवा को इको पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है और योजना है, और उस पर काम भी चल रहा है, ये काफ़ी नया पार्क बना हुआ है। हम लोग बच्चों को लेकर और सभी स्टाफ वहाँ पर चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इको पार्क डेवलप हो रहा है। बच्चों को लंच पैकेट यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, काफी बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और इनको लंच पैकेट यहाँ पे दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग पार्क में जाके फिर भोजन कर सकते हैं।
जरवा का इको टूरिज्म हब है, यहाँ पर ये वॉच टावर और ये काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं और ठीक है। इको पर्यटन के हिसाब से ये पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरीके से मैंने आपको कोयलाबास का तो पहले वीडियो दिखाया ही है, सोनपथरी का भी वीडियो आपने जरूर देखा होगा, वो भी लगभग इसी तरीके से है, दूसरा अवस्थे में पड़ता है और ये तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो पूरी हमारी टीम, छात्र और साथ साथ शिक्षक, सब लोग आनंद लेते हुए इस इको पर्यटन केंद्र का। इको पर्यटन हब के बस बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे ही पड़ता है भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि कोयलाबास में स्थित है। तो बच्चों को लेकर हम लोग भी यहाँ पहुँच गए और बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया गया और दिखाया गया, साथ ही बच्चों ने यहाँ के कुछ टूरिस्ट स्पॉट का काफी आनंद चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं इस समय, कहाँ है इस समय? हम लोग नेपाल में है, कहाँ है? और नेपाल क्या है? दूसरा देश है, ठीक है। हम लोग कहाँ? विदेश में इस समय। तो अब जरवा बॉर्डर के पास ये लोहे का पुल है और देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितने बच्चे और सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और इस तार वाले पुल को देख रहे हैं। बच्चों के लिए शायद ही बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है, जो बच्चे यहाँ पर नहीं आए होंगे हमारे लिए भी है। नहीं बच्चे